हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ जीरा आलू बनाना, कि हम जीरा आलू किस तरह से बनाते हैं। ये झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं, तो हम झटपट इसे बना सकते हैं। ये हार्डली आपको सिर्फ 25 to 30 मिनट्स ही लगेगा, मतलब 30 मिनट से कम टाइम में ही ये बन करके तैयार हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप एक बार बनाइए मेरी तरह से और अपने एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं बनाते हुए ही आपको इंग्रेडिएंट बताऊँगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लेंगे, हम सरसों का तेल लेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून हम तेल लेंगे यहाँ पर। और उसमें हम यहाँ पर सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद में जीरा हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन यहाँ पर मैं 6 से 7 क्लोव्स जो लहसुन की होती है कलियाँ, उसको कट कर ली हूँ और फिर डालेंगे। और इसमें हम अदरक डालेंगे, 1/2 इंच अदरक डालेंगे ऐसे। हम उसको भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे, महीन महीन कट कर लेंगे, बारीक कट कर लेंगे। और फिर इसमें हम हींग डालेंगे, पिंच ऑफ हींग डालेंगे हम। और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद फिर से हम चला लेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर इसकी जो लहसुन की जो कच्चापन रहता है वो निकल जाता है, जो स्मेल होता है वो निकल जाता है, अच्छी तरह से ये भुना जाता है। फिर इसमें हम एक प्याज डालेंगे, इसको भी हम बारीक काट लेंगे। बारीक काट करके इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें पिंकिश कलर में रहने देना है। पिंकिश जो कलर रहेगा इसे ब्राउन नहीं करना। फिर इसमें हम बॉयल आलू को हाथों की हेल्प से हम उसे तोड़ लेंगे और उसे तोड़ करके हम डाल देंगे आलू। इसमें बॉयल आलू को हाथों से तोड़ करके इसमें हम डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद इसमें हम लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे इसमें हम। और इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर डालेंगे इसमें हम। और इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला देंगे, 1/4 टीस्पून हम अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो ड्राई सूखी वाली कसूरी मेथी आती है ना, उसे डालेंगे और हम इसे चला लेंगे। यहाँ पे पहले चाट मसाला जो डाली थी पहले 1/2 टीस्पून डाली थी, फिर टेस्ट करने के बाद पता चला कि थोड़ा खट्टा कम था तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कर दी। और फिर इस स्टेज पे हम आकर के इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसे हाई फ्लेम में हम इसे हम भुनेंगे। इसे हम हाई फ्लेम में रखेंगे, चलाएंगे हाई फ्लेम में ही। और इसमें हम फिर हरा धनिया डालेंगे। और हरा धनिया डाल करके इस तरह से हम इसे हाई फ्लेम पे इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि सारा जो मसाला है वो कोट हो जाए, हर आलू में कोट हो जाए। आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, अगर आपको कुछ भी कम या ज़्यादा लगता है, अगर आपको खट्टा थोड़ा कम लगता है तो आप अमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर आप डाल सकती हैं। और इस तरह से हमारा जो जीरा आलू था वो बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में। ये बनने वाली टेस्टी सब्जी है आलू, जीरा आलू की जो सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल, शबा खैर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।